हाई लो के अंदर ही आपको ट्रैक्टर मिलेगा, 4x4 ट्रैक्टर है ये, और काफी बड़ा ट्रैक्टर मिलेगा। और फ्रंट एक्सल इसका भी नॉन एडजस्टेबल है, इसका भी फ्रंट एक्सल है वो एडजस्टेबल मिलने वाला है, 12+3। और किपर गियर बॉक्स के साथ ये ट्रैक्टर मिलेगा, डबल एक्टिंग पावर। महिंद्रा के ये दो बड़े मॉडल आ रखे हैं, 655 DI नोवो, और इस साइड के अंदर भी आ रखा है 755 DI नोवो, फोर व्हील ड्राइव के अंदर है ये। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। बढ़िया रहना भाई। आज भाई हिसार कृषि मेले के अंदर पहुंचे हैं, तो यहाँ भी मेसी के काफी मॉडल आए हुए हैं, और इस साइड के अंदर आयशर के भी आए हुए हैं, और मेसी का एक ये छोटा सा मॉडल आया हुआ है। तो इस ट्रैक्टर के बारे में आपको बताता हूँ मैं, तो ये भी है 5118 मेसी फर्गुसन का है, और स्पेशल बागवानी के लिए ये ट्रैक्टर बनाया गया है, और टू व्हील ड्राइव के अंदर ये ट्रैक्टर मिलने वाला है। बात करें अभी इसके गियरों की, तो हाई लो के अंदर ही आपको ट्रैक्टर मिलेगा, और पावर स्टेयरिंग नहीं मिलेगा भैया, मैकेनिकल स्टेयरिंग के साथ ही आपको ट्रैक्टर है वो मिलने वाला है। बाकी भाई और देखते हैं मॉडल कौन कौन से आए हैं अभी मेसी के। और भाई आए हैं अभी 2635 आया है, 4x4 ट्रैक्टर है ये, और काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर है, और आगे वेट वगैरह लगे, और उधर दो 246 है 4x4 का डायना ट्रैक, जो अभी काफ़ी ट्रैक्टर भी चल रहा है, और ये भी हाई लो मीडियम के साथ ही आपको डायना ट्रैक है ये मिलने वाला है, और टू व्हील और फोर व्हील दोनों ऑप्शन में आपको मिलेगा। अभी आप जो भी ऑप्शन में आप लेना चाहो वो ले सकते हो। और इस साइड में आपको दिखाते हैं और कौन कौन से मॉडल हैं, वो भाई मेसी के आए हुए हैं, 244 DI हाई लिफ्ट कैपेसिटी के साथ ये ट्रैक्टर आ रहा है जो, और डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग मिलेगा भाई, नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल के साथ ये ट्रैक्टर मिलेगा, 13/6/28 के इसके पीछे के टायर है वो आपको मिलने वाले हैं, सेंटर गियरों के साथ ये मिलेगा, और डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग है भाई। उस साइड के अंदर भाई मेसी 9500 स्मार्ट सीरीज का ट्रैक्टर है, टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शनों के साथ ये ट्रैक्टर आता है, और इस साइड में भी बेहतर 35 है साइड शिफ्ट गियर के बॉक्स के साथ है ये ट्रैक्टर, और ये भी सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ ही मिलेगा, और फ्रंट एक्सल इसका भी नॉन एडजस्टेबल है, इसका भी फ्रंट एक्सल है वो एडजस्टेबल मिलने वाला है, पीछे के टायर भी इसके 16/9/28 के मिलने वाले हैं, जो यहाँ मॉडल खड़ा है स्मार्ट सीरीज का, इसका जो पीछे वाला टायर है वो 16/9/28 के हैं, और साइड शिफ्ट और क्या नाम शटल शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ ही आपको ट्रैक्टर मिलने वाला है। और भाई अब बाकी भाई साइड के अंदर देखते हैं भाई और क्या क्या, आयशर के भी काफ़ी मॉडल आ रखे हैं, आयशर का भी एक लोडर आ रखा है स्पेशल 241 है, और ये भाई धान वगैरह के लिए पनीरी वगैरह लगाने के लिए भाई, ताकि भाई आपकी जो लेबर वगैरह की प्रॉब्लम हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी आपका काम है वो आसानी से हो सके और कम टाइम में हो सके। और इस साइड के अंदर भी आयशर 188 मिनी ट्रैक्टर है बागवानी के लिए, और बात करें इसके कितने HP का ट्रैक्टर है, 18 hp, और 242 मैंने आपको बता दिया अभी लोडर फिटेड ट्रैक्टर, ये आपको 242 है मैजिक लोडर के नाम से भी ट्रैक्टर ये है, और इस साइड के अंदर 200 आयशर भाई 557 12+3, और किपर गियर बॉक्स के साथ ये ट्रैक्टर मिलेगा, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलेगा, फ्रंट एक्सल है वो नॉन एडजस्टेबल है, और इस साइड के अंदर भी 551 डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है, फ्रंट एक्सल है नॉन एडजस्टेबल है, और ये भी वही 3 सिलेंडर DI वाटर कूल्ड, और आयशर 650 फोर व्हील ड्राइव के साथ ही है, पीछे के टायर है वो 16/9/28 के मिलने वाले हैं, और आगे के टायर हैं वो इसमें आपको मिलेंगे भाई 9/5/24 के, आगे के टायर है 9/5/24 के मिलने वाले हैं, और कंपनी फिट डाक के भी जो भी वेट वगैरह मिलता है तो वो भी मिलेगा, क्योंकि अभी फोर व्हील ड्राइव जो ट्रैक्टर होता है उसमें आगे वेट वगैरह काफ़ी जरूरी रहने वाला है। तो भाई ये स्टोर लगी हुई थी जो मेसी की होगी, और इस साइड के अंदर भी आयशर वगैरह की होगी, और आयशर के भी 4-5 मॉडल आए हुए हैं, और मेसी के भी 4-5 मॉडल वगैरह जो आ रखे हैं। महिंद्रा के ये दो बड़े मॉडल आ रखे हैं, 655 DI नोवो, और इस साइड के अंदर भी आ रखा है 655 DI नोवो, फोर व्हील ड्राइव के अंदर है ये दोनों ट्रैक्टर, और आगे भी कंपनी फिटेड भी इसके भी काफ़ी ज़्यादा प्लेटे वेट मिलने वाला है, और फ्रंट टायर हैं इसके ये भी 12/4/24 के हैं भाई, काफ़ी बड़े टायर हैं 12/4/24 के, पीछे के टायर भाई इसके हैं जी 18/16/4/30 के भी, एक बार देख लेते हैं भाई 18/4/30 के हैं भाई, सॉरी इस साइड के अंदर भाई 655 DI, और इसके बात करें भी आगे के टायरों की, तो इसके 9/5/24 के हैं, पीछे के हैं 16/9/28 के, पीछे के टायर है 16/9/28 के अभी,
और दोनों के एक बार भी बैक सीट ट्रैक्टर की दोनों के भी हिस्सा वगैरह लुक वगैरह आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी बड़े ट्रैक्टर है दोनों, फोर व्हील ड्राइव के अंदर है और इसके पीछे भी रोटावेटर वगैरह 12 फुट का रोटावेटर है भैया लगा हुआ है। दोनों ट्रैक्टरों की कंपनी फिटेड भैया, हुड पे जो छतरी है वो साथ मिलने वाली है दोनों ट्रैक्टरों के, आगे कंपनी फिटेड भी आपको वेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा वेट मिलने वाला है। और दोनों ट्रैक्टरों का भी जो महिंद्रा के और ट्रैक्टर आते हैं अभी उनसे काफ़ी शानदार कलर है, वो चेरी सा कलर है वो मिलने वाला है अभी। डीजी सेंसिंग 4G PP। और भी महिंद्रा के भी मॉडल आए हुए हैं, काफ़ी मॉडल आए हुए हैं अभी महिंद्रा के मेले का, में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई, जो 3 दिन मेला चलेगा ये इंसार। तो भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई।